अब जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो उसको लगता है कि शूद्र हमारा सेवा करना चाहिए, शूद्र हमारा सेवा के लिए हम मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि शूद्र है तो मंदिर में नहीं जा सकता है। भगवान की भक्ति हर व्यक्ति के लिए है। संत रविदास जी, संत रविदास जी थे, नाम सुना है ना आप लोग का, लापर लोग ने, तो जाति से वो चमार थे लेकिन भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे। तो भगवान का विग्रह रख के और रविदास जी सेवा करते थे विग्रहों का। तो ब्राह्मण लोगों ने उस समय में राजा के दरबार में कंप्लेन किया, शिकायत की कि ये चमार होने के बावजूद ये भगवान का सेवा कैसे कर सकता है, ये अधिकार खाली ब्राह्मण को है। तो राजा ने रविदास जी को बुलाया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा क्यों करते हो। तो रविदास जी बोले ठीक है, अभी हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान जी हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, अगर इनकी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं तो ठीक है ये करें, मैं नहीं करूंगा। तो वहां पे रविदास जी ने भगवान को भोग लगाए, भगवान को भोग लगाए, तो वो विग्रह जो था भगवान का वो चल के आया उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। आप सोचिए कि ऐसी भक्ति थी, जाति के तो चमार थे। तो बात यह नहीं है कि कौन किस जाति का है। वर्णाश्रम धर्म इसीलिए बनाया कि व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करे, इसलिए नहीं कि जो ऊपर के वर्ण है ब्राह्मण है उनकी गुलामी करे। गुलामी करने के लिए नहीं ना, हो भगवान की सेवा के लिए। तो प्रभुपाद जी परपट में ये चीज लिखते हैं आगे लिखते हैं यहाँ पे परपट में प्रभुपाद जी कि ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला ना कि कुछ लोग कहते हैं कि उन लोग का, कुछ लोग का मत है कि स्वयं भगवान बन जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं कि कुछ लोग का मत है कि नारायण के समान हो जाता है। ये ज्ञान योगियों का मत है। लेकिन अभी रामायण में एक प्रसंग है कि उसमें भक्ति और ज्ञान के बारे में बताए भगवान ने स्वयं नारद जी को। तो आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी कि भगवान को नारद जी ने श्राप दिया था कि एक समय में आप भी स्त्री के वियोग में भटकेंगे और यही बंदर आपकी सहायता करेगा। तो जिस समय भगवान राम सीता की विरह में जंगलों में भटक रहे थे, उस समय नारद जी को भगवान को देख के बहुत दया आई। भगवान को जब देखे नारद जी कि भगवान सीता के विरह में भटक रहे हैं, तो उनको बहुत दया आई कि आज जो भगवान की स्थिति है ये हमारी वजह से है, भगवान को मैंने ही श्राप दिया था। तो उनको बहुत अंदर से ग्लानि महसूस हुई। तो नारद जी गए कि थोड़ा भगवान का फिर हाल चाल पूछते हैं, अभी तो श्राप तो दे दिया, अभी क्या कर सकते हैं। तो गए तो नारद जी ने देखा कि भगवान को कोई दुख नहीं है, वो अपने आनंद में हैं। तब नारद जी ने भगवान को बहुत खुश देख के भगवान से एक प्रश्न किया। तो नारद जी का प्रश्न ये था कि जब हमको शादी करने की इच्छा हुई थी, उस समय आपने हमको शादी करने से क्यों रोक दिया था। तो वहाँ पे भगवान कहते हैं कि नारद जी, भक्त और ज्ञान, भक्ति और ज्ञान दोनों में अंतर भगवान बताते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद जी, जो लोग हमारे भक्त हैं उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, लेकिन जो लोग ज्ञानी होते हैं, ज्ञान योग वाले, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके खुद के ऊपर होती है। उदाहरण दिए कि जिस तरह से कोई छोटा बच्चा हो और वो आग में हाथ डाले तो उसकी माँ क्या करेगी, तुरंत उसका हाथ पकड़ेगी, या सांप को पकड़ने जाए, आग को पकड़ने जाए तो माँ तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है कि हाथ जलेगा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अगर हाथ आग में हाथ डालेगा तो माँ पकड़ने जाएगी क्या? तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ अभी उससे प्रेम नहीं करती है, प्रेम है, लेकिन अब माँ इतना समझती है कि वो इतना तो समझदार है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, इसलिए अब वो ऐसा नहीं करती है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारा भक्त है ना, वो पूरी तरह से हमारे ऊपर ही डिपेंड है, जो कुछ भी करेंगे भगवान करेंगे, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। तो
तो उसकी मैं रक्षा करता हूँ। और जो लोग ज्ञान योगी हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। उनकी सुरक्षा अभी ये काम क्रोध वगैरह ये जो शत्रु हैं ये सबके लिए हैं। ऐसा नहीं कि भक्त है उसको काम से क्रोध से कुछ लेना देना नहीं है, ये सब उसके ऊपर नहीं, सबके लिए है। लेकिन भगवान कहते हैं कि इन सारे चीज़ों को भक्त के अंदर से नष्ट करने का काम मैं करता हूँ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, उसके अंदर काम है, क्रोध है, बहुत सारी बुराइयाँ हैं। और ऐसा देखा गया है, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो किस तरह के लोगों को भक्त बनाए उन्होंने, जो कि चारों नियम तोड़ते थे। कोई नियम नहीं था उनके जीवन में, सारे नियम तोड़ते थे। तो सबसे पहला चीज क्या था कि भगवान का नाम जप करना। आज देखिए आप कि इस्कॉन में ज़्यादातर भक्त हैं कि आज के रेट में देखिए ना, मांसाहार, नशा, ये सब तो साधारण चीज़ हो गई हैं। लेकिन भगरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र जपने से आज इस्कॉन में इतने लाखों लोग भक्त हैं, सब लोगों का ये सब आदत कैसे छूटा? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में लिखा है ना कि एतावाने व लोकेस्मिन पुंस धर्म परस्मृत वासुदेवे भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। इस कलयुग में मनुष्य के लिए परम धार्मिक सिद्धांत क्या है? सबसे बड़ा धार्मिक सिद्धांत है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सबसे बड़ा चीज है। इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। अरे उनको लगता है खाली हरे कृष्णा जपने से पाप कैसे खत्म हो जाएगा, हम वृंदावन जाएंगे तब पाप खत्म हो सकता है, हम पुरी जाएंगे, हम धाम यात्रा करेंगे। मैं अभी गया था तो हरिद्वार में एक प्रभु जी बता रहे थे कि लोगों का ये भी एक अहंकार होता है कि बहुत लोग बहुत पूरा जिंदगी वो तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, और उनको आप बोलिए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपिए तो वो बोलेंगे आप हमको क्या सीखिए, हम सब तीर्थ कर लिया, आप हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमको कुछ कर, मैंने सारा तीर्थ किया है जी, हमको क्या जरूरत है अब। तो ऐसी स्थिति होती है, जबकि इस कलयुग में भगवान के नाम से बढ़ के दूसरा कोई साधन नहीं है। तो यहां पे ज्ञान और भक्ति के बारे में बता रहे हैं। भागवत के पहले स्कंद में दूसरा अध्याय का 6 या 7 नंबर कुछ श्लोक है कि उसमें कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो ज्ञान और वैराग्य ये ऑटोमेटिक आते हैं। इनके लिए अलग से आपको प्रयास नहीं करना है कि हमको इस चीज का त्याग करना है। यहाँ पे यही चीज लिखा है कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म के फलों से छुटकारा नहीं पा सकता है। हमने सब कुछ काम धंधा करना छोड़ दिया तो क्या हमको अब लोग, अभी भगवद गीता में लिखा है ना कि अगर कोई भी कर्म व्यक्ति करता है ना तो उसका फल होता है। आप अगर पाप करते हैं तो उसका फल बुरा होगा, पुण्य करते हैं तो उसका फल अच्छा होता है। तो अच्छा हो या बुरा हो बंधन तो हो रहा है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि चलो सब कुछ करना ही छोड़ दो, कुछ करना का ही नहीं, अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो उसका कुछ फल ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ आगे परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा हमेशा सक्रिय है और यह शरीर अभी भी मरा हुआ ही है। इसके अंदर आत्मा है इसलिए शरीर से आप जो भी काम कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के निकलने के बाद यह शरीर कुछ भी काम का नहीं है। तो आत्मा का स्वभाव है हमेशा सक्रिय रहना। वो कुछ ना कुछ, जब तक आत्मा आपके शरीर में है वो कुछ ना कुछ करेगा ही। आप अगर सब कुछ छोड़ के यहाँ पे चुपचाप बैठ जाएं तो मन में कुछ ना कुछ खुराफात चलेगा। शरीर से भले कुछ नहीं हो रहा है लेकिन मन में कुछ ना कुछ चलते रहेगा। तो मन से भी अगर आप कुछ गलत सोच रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं तो उसका परिणाम होता है। अगर मन में भी कुछ विचार चल रहे हैं आपके तो ऐसा नहीं। तो इसलिए कर्म का त्याग किस लिए करना है, तो आप जो भी करना है कृष्ण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। यही जीवन का
वास्तविक उद्देश्य है, लेकिन इन चीजों को लोग भूल जाते हैं। तो यहां पे आगे लिखते हैं कि हृदय की शुद्धि के बिना न्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। एक भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पाता तैव कल्पते। शास्त्रों में, अब ये भगवद गीता है, ये किसके लिए है? हर मनुष्य के लिए है। अब कुछ लोग बोलते हैं, हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं ना, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे महाराज हम तो क्रिश्चियन हैं, भगवद गीता हम नहीं पढ़ते हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं। लेकिन भगवद गीता किसी क्रिश्चियन और मुसलमान और हिंदू के लिए नहीं है। अगर आप मनुष्य हैं तो भगवद गीता आपके लिए है, अगर आप मनुष्य नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, जानवर के लिए नहीं है। लेकिन मनुष्य हैं तो भगवद गीता जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने मनुष्य के जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हर चीज का उत्तर इसमें बताया गया है। तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भागवत में एक श्लोक है, उस श्लोक में ये पांचवा अध्याय का कुछ 17 नंबर श्लोक है, कि उसमें प्रभुपाद जी तत्पर में अपना अनुवाद है उसका, कि अगर कोई व्यक्ति, अब दुनिया भर के धर्म है, कोई बोलता है कि माता पिता का सेवा करना धर्म है, कोई बोलता है कि अभी हमारा परिवार है उसका खर्चा नहीं चलाएंगे ये नहीं करेंगे, मतलब बहुत तरह के धर्म हैं। तो इन सारे धर्मों को अगर कोई पूरा एकदम सिस्टमेटिक कर रहा है, पूरा विधि से एकदम बहुत पैसा कमा रहा है, घर का पालन पोषण सब कुछ एकदम अच्छी तरह से कर रहा है, माता पिता की बहुत सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, शिव जी की पूजा कर रहा है, काली जी की पूजा कर रहा है, उपवास भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है तो कुछ काम का नहीं है। हाँ, वो श्लोक है त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, कि भगवान की भक्ति करने के लिए अगर किसी ने सब कुछ त्याग दिया, अभी बहुत सारे भक्त लोग आते हैं मंदिर में, अभी घर छोड़ के आते हैं, तो लोग कुछ लोग बोलते हैं अरे क्या तुम भक्ति करोगे, माँ बाप को कोई देखने वाला नहीं है, तुम भक्ति क्या कर रहे हो, ऐसा लोग बोलते हैं ना। लेकिन भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं कि पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं खाली माता पिता ही नहीं हूं, तुम्हारा दादा परदादा सब कुछ मैं ही हूं। भगवान जो हैं सबके माता पिता हैं, सब कुछ हैं। हमको लगता है कि अगर हम छोड़ के भगवान की भक्ति में आ जाते हैं तो घर वालों का क्या होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग भगवान का भजन करते हैं उनके घर परिवार वाले भी सुखी संपन्न रहते हैं, किसी तरह की तकलीफ उनको होती नहीं। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में बताते हैं ना, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां एव क्षेमं वहाम्यहम्। अभी ये जो श्लोक है, इस श्लोक का लास्ट वर्ड योगक्षेमम वहाम्यहम्, इस वर्ड को LIC ने अपना सिंबल बना दिया। अब LIC कहती है तो LIC के ऊपर लोग को पूरा भरोसा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी मिलेगा, लेकिन भगवान कहते हैं तो भरोसा नहीं है। भगवान देंगे, अगर हम काम कमाएंगे नहीं, काम धंधा नहीं करेंगे तो क्या भगवान देंगे खाने को? लेकिन LIC वाले कहते हैं तो LIC के ऊपर भरोसा है, लोग को प्रीमियम भरते हैं लोग, करीब करीब सबका LIC होगा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर विश्वास है। तो LIC कहती है कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप मर जाएंगे तो LIC वाले आपको क्या देंगे? LIC वाले लिखते हैं ना कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लेकिन आपको जिंदगी के बाद फिर मिलेगा क्या? पैसा तो अपने भरे हैं लेकिन मर गए तो मरने के बाद कुछ नहीं मिलता आपको।
जो भी मिलेगा आपके परिवार वाले को। तो भगवत गीता की शिक्षा यही है कि ये जो परिवार से हमारा संबंध है ना, ये टेम्परेरी है। अभी मान लीजिए कि आप यहाँ से ट्रेन में बैठ के दिल्ली चले, आप किधर जा रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ समय के लिए उनसे परिचय हो जाता है। तो थोड़ी ना उनको बड़ौदा में उतरना है तो बोलेंगे नहीं नहीं अभी आपसे तो हमारा परिचय हो जाएगा, चलिए आपके साथ दिल्ली तक जाते हैं। कोई जाएगा क्या? उसका स्टेशन आया उधर, आपको किधर जाना है, जाओ, किसी से किसी का लेना देना नहीं है। तो वही स्थिति परिवार की भी है। जब ही आप मर गए तो आप मर गए तो गए, आपको तो कुछ मिला नहीं, घर वाले मजा कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो मेन चीज जो है भगवान की भक्ति करना ही है। तो यहाँ पे यही लिखे हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 39वां नंबर श्लोक कि भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, थोड़ी भी भक्ति करता है, वो बहुत बड़ा भक्त नहीं बना। अभी आप लोग मान लीजिए इधर आज हरे कृष्णा मंदिर में आए, कुछ लोग तो रोज आने वाले हैं, कुछ लोग मान लीजिएगा पहली बार ही आए, इधर भगवत गीता क्लास में बैठे, एक बार हरे कृष्णा तो बोले। अब उतने हरे कृष्णा बोलने से अब ये आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, अब इसका ब्याज शुरू होगा बढ़ना। भगवान भगवत गीता में 6 अध्याय में 41 नंबर श्लोक में बताते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि अभी तो हम भक्ति करते, अगर मान लीजिए कि हम भक्ति करने लगें, हम हरे कृष्णा ही करने लगें, तो हमारे घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो भगवान इसमें बताते हैं कि अगर पथ भ्रष्ट योगी पुण्यात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद जब इस धरती पे वापस जन्म लेता है, मान लीजिए आपने थोड़ी भक्ति की, कुछ दिन के बाद मरना तो सबको है, शरीर छोड़े पुनर्जन्म निश्चित है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ने भक्ति किया है वो स्वर्ग लोक आदि ऊपर के लोकों में जाता है, लेकिन वापिस जब उधर से इस धरती पे आता है तो कोई धनवान के कुल में जन्म लेता है। अगर किसी धनवान के कुल में आपने जन्म लिया तो अब आपका ये प्रश्न खत्म हो गया कि हम भजन करेंगे तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, बरोबर ना। अगर आपके घर में पहले से ही किसी करोड़पति अरबपति के घर में आप जन्म ले लें तो आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, भगवान ने इतना पहले से ही दे दिया कि आपका सब कुछ चल रहा है, उसके अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आप भक्ति करिए। लेकिन उस समय क्या होता है कि तब भक्ति में मन नहीं लगता है, धन जो है ना भक्ति में बाधा पैदा करता है कभी कभी। तो चीज ये है कि हमारे पास धन है या नहीं है, हमारा जीवन ही इसी के लिए मिला है। प्रभुपाद जी एक किताब में SSR में लिखे हैं कि मनुष्य का स्वभाव है सेवा करना, वो सेवा करेगा ही करेगा, वो किसकी न किसी की सेवा करेगा। अगर भगवान की सेवा नहीं करेगा तो माया की सेवा करेगा, घर की परिवार की सेवा कर रहा है, और किसी के घर में परिवार के नाम पे भी कोई नहीं है तो उसने एक कुत्ता पाल लिया है, कुत्ते की सेवा करते हैं लोग, क्योंकि उसका स्वभाव है किसी ना किसी का सेवा करेगा। तो कुत्ते की सेवा करने से तो बेटर है ना कि भगवान का सेवा किया जाए, कुत्ता का सेवा करना अच्छा कि भगवान की सेवा करना अच्छा। अगर कोई व्यक्ति कुत्ते की सेवा करे तो उससे उसको क्या लाभ होगा, लेकिन भगवान की सेवा करने से सब कुछ मिल रहा है। आज आपको जो कुछ मिल रहा है कौन दे रहा है, भगवान ही तो सब कुछ दे रहे हैं ना। तो व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये भगवान की भक्ति में क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए ठीक है, ये जीवन का लक्ष्य है। तो भगवान की भक्ति में करना क्या है, तो भगवान की भक्ति में यही करना है, कलयुग केवल नाम आधारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,